हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्टोन के ऑफ़र लेटर के बारे में। तो दोस्तों, बेल्टोन के ऑफ़र लेटर फिर से आने शुरू हो गए हैं और बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग अब जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी और बेल्टोन से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, बेल्टोन के ऑफ़र लेटर कुछ समय पहले बंद हो चुके थे आने, लेकिन अब फिर से ऑफ़र लेटर आने शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि पंचायती राज विभाग की ओर से ऑफ़र लेटर आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कल से ही आने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि पंचायती राज विभाग की ओर से ऑफ़र लेटर आने शुरू हो गए हैं। करीबन 349 पदों पर ऑफ़र लेटर आने वाले हैं और 349 पदों पर ज्वाइनिंग होगी पंचायती राज विभाग में। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, DPRO भागलपुर यानी पंचायती राज विभाग की ओर से भागलपुर से एक ऑफ़र लेटर आने शुरू हो गए हैं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप अपने ऑफ़र लेटर को जल्द से जल्द चेक करें, अगर आपके पास ऑफ़र लेटर मिले हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें और अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफ़र लेटर 26/11/2021 को आया है और एक्सेप्ट यहां किया गया है 27/11/2021 को। दोस्तों, ऑफ़र लेटर 48 से 72 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि पंचायती राज विभाग की ओर से एक लेटर जारी की गई थी जिसमें RTPS काउंटर के लिए पंचायती राज विभाग ने बेल्टोन की ओर से 349 कैंडिडेटों की मांग की थी, जो कि अब ऑफ़र लेटर बेल्टोन की ओर से भेजे जा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, भागलपुर से 9 कैंडिडेटों को ऑफ़र लेटर आएगा और टोटल यहां पे 349 कैंडिडेटों को ऑफ़र लेटर जाएगा पंचायती राज विभाग से सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए। इनका काम होगा RTPS काउंटर में और ये हर पंचायत के हर ब्लॉक में होंगे RTPS काउंटर पे। इसलिए दोस्तों, जिन कैंडिडेटों को ऑफ़र लेटर मिल चुका है वो जल्द से जल्द ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करें, नहीं तो वो ऑटोमेटिक ही 72 घंटे के अंदर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करें और अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, और भी किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, उसका मैं आपको जवाब बिल्कुल ही दूंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।